तो अभी आकांक्षा दुबे का काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है पार्टी वाला वीडियो, आप लोग देख पा रहे हैं, ये है पार्टी वाला वीडियो जहाँ पे ये पार्टी करके आई थी और उसके बाद से जो सुसाइड केस सामने आया था। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि पार्टी में कैसे झूम रही हैं, नाच रही हैं। आपको बता दूँ कि काफ़ी सारा वीडियो जो है वायरल हो रहा है, लेकिन इसी में ये भी वीडियो सामने आ रहा है जो आप लोग के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि पार्टी का तो छोड़िए, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोनों आकांक्षा और समर सिंह जी भी दोनों साथ में रील बनाते थे, जो भी वीडियो बनाते थे। और इस रील और इस वीडियो को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा या रहा था। तो आप लोग अभी भी इस वीडियो को देख के बता सकते हैं या जान सकते हैं, जो भी जानते हों वो तो जानते ही होंगे। और काफ़ी सारा जो है फ़ोन भी आता है, मैसेज भी करते हैं इसी में कि आप लोग गलत बता रहे हैं समर सिंह के बारे में, समर सिंह ऐसे नहीं है या कुछ भी है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख के आप समझ सकते हैं क्या कौन कैसा है, ठीक ना। और आपको बता दूं कि उनकी माँ जो है, एक घर से अगर किसी के बेटी का मौत हो जाता है तो उसके घर पे क्या बीतता है वो तो उनकी माँ ही समझ रही होंगी। और आपको बता दूं कि कुछ भी है, लेकिन वहाँ के यूपी में ही ये सब कांड हुआ है। और यूपी में अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से तीन तीन सांसद, दो दो तीन तीन सांसद आते हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, जो कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको मतलब बताना, आगाह करना चाहूँगा कि आप लोग सामने आएँ, क्योंकि काफ़ी सारा जो मीडिया वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में है एकता नहीं है, या ये एक परिवार बोलते हैं लेकिन एक परिवार जैसा नहीं, एक सदस्य अगर का देहांत हो गया है तो वो लोग कोई भी उनके अंतिम संस्कार पे नहीं आया। तो ये सब बोलने के मौका न रह जाए। और समर सिंह जी को मैं बताना चाहूँगा कि समर सिंह जी आप सामने आएँ और लाइव आएँ और अपना जो भी बयान है या जो भी बातें हैं वो रखें, क्योंकि काफ़ी सारा जो दर्शक हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि आपने क्या गलत और क्या सही किया है, या आपसे सही हुआ है या आपसे गलत हुआ है, जो भी है। तो आप कब तक छुप के रहेंगे, आपको एक ना एक दिन तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो आप ज़रूर बाहर आएँ और सभी अपने अपने मतलब जो भी आपके दर्शक हैं वो दर्शकों को सबको बताएँ अपना जो भी है। और आपको बता दूँ कि जो भी हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग खुद ही दर्शक हैं, आप लोग सबको हीरो से जीरो बनाते हैं, जीरो से हीरो तक लेके जाते हैं। तो आप लोग को खुद निर्णय करना पड़ेगा कि आप लोग किसको मतलब कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। तो इसमें हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग काफ़ी सारा वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं, देखने के बाद आप खुद निर्णय कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दूँ, लेकिन ये सब जो भी घटनाएं हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। तो मैं काफ़ी सारा ऐसे वीडियो देख भी रहा हूँ कि ये आखिरी वीडियो है, ये वीडियो है, तो ये सब वायरल कर रहे हैं। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के मेरा एक ही मकसद है कि समर सिंह जी सामने आएँ और अपना बयान रखें क्या सही है और क्या गलत है।